हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान घर में। अगर आप रेलवे ग्रुप सी व डी तथा अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन ए क्रिकेट, बी कबड्डी, सी शतरंज, डी जूडो। इसका सही जवाब है डी जूडो। अगला सवाल, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? ऑप्शन ए बिहार, बी मणिपुर, सी असम, डी कर्नाटका। इसका सही जवाब है बी मणिपुर। अगला सवाल, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए तुर्क, बी पुर्तगाली, सी यूनानी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए तुर्क। अगला सवाल, कबड्डी खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चीन, बी जापान, सी भारत, डी रूस। इसका सही जवाब है सी भारत। अगला सवाल, शतरंज खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए भारत, बी जापान, सी चीन, डी इंग्लैंड। इसका सही जवाब है ए भारत। अगला सवाल, क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जापान, बी इंग्लैंड, सी चीन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बी इंग्लैंड। अगला सवाल, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 9, बी 10, सी 8, डी 7। इसका सही जवाब है डी 7। अगला सवाल, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 7, बी 9, सी 11, डी 6। इसका सही जवाब है बी 9। अगला सवाल, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 6, बी 8, सी 10, डी 12। इसका सही जवाब है ए 6। अगला सवाल, बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 9, बी 10, सी 4, डी 5। इसका सही जवाब है डी 5। अगला सवाल, दादा के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए उधम सिंह, बी मेजर ध्यानचंद, सी रूप सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बी मेजर ध्यानचंद। अगला सवाल, किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समय अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 45 मिनट,
बी 60 मिनट, सी 80 मिनट, डी 90 मिनट। इसका सही जवाब है डी 90 मिनट। अगला सवाल, पोल वाल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? ऑप्शन रियान बोधा, बी सेंगई बुबुका, सी एमा जार्ज, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बी सेंगई बुबुका। अगला सवाल, क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए विनोद कांबली, बी शेन वारन, सी सचिन, डी सौरभ गांगुली। इसका सही जवाब है बी शेन वारन। अगला सवाल, ग्रेट डिलेर उपनाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर जाना जाता है? ऑप्शन ए स्टीव बकनर, बी डिकी बर्ड, सी डेविड शेफर्ड, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बी डिकी बर्ड। अगला सवाल, बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, बी विनोद कांबली, सी सौरभ गांगुली, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए सचिन तेंदुलकर। अगला सवाल, ट्रिबिनेटर के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए मुरली कार्तिक, बी सुरेश रैना, सी महेंद्र सिंह धोनी, डी हरभजन सिंह। इसका सही जवाब है डी हरभजन सिंह। अगला सवाल, पोल वाल्ट के बादशाह संगई बुबुका का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए यूक्रेन, बी रूस, सी ऑस्ट्रेलिया, डी न्यूजीलैंड। इसका सही जवाब है ए यूक्रेन। अगला सवाल, साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? ऑप्शन ए वेलोड्रम, बी रिंक, सी रेंज, डी कोरस। इसका सही जवाब है ए वेलोड्रम। अगला सवाल, मुक्केबाजी का खेल परिसर क्या कहलाता है? ऑप्शन ए डायमंड, बी रिंक, सी रिंग, डी रेंज। इसका सही जवाब है सी रिंग। यूरो कप किस से संबंधित है? ए फुटबॉल, बी क्रिकेट, सी पोलो, डी मुक्केबाजी। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके लिए है। इसका सही जवाब क्या होगा? आप हमें कमेंट करके इसी के साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।